ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का। तो ये क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो R1 हम ले लेते हैं 19, दो सर्कल है ना, इसलिए R1 R2 लिखना पड़ रहा है। R2 लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि हमें ऐसे रेडियस फाइंड करना है सर्कल, ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल हो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के। इन दोनों का जब हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और उसको जब हम जोड़ देंगे उसके बराबर हो, ऐसे सर्कल का रेडियस बताओ। तो पहले हम इन दोनों का सेपरेटली सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो इसका निकाल लेते हैं, क्या होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, 2πr। तो निकालो क्या निकलेगा इसका, ये ब्लू वाला है इससे निकालता हूँ। तो 2πr यानी 19, तो ये इसको मैं पाई को सॉल्व मत करो, ऐसे लिख लो 38π। तो इसका निकल गया सर्कमफ्रेंस 38π। इसका भी निकाल लो दूसरे वाले सर्कल का, वही फॉर्मूला अपना 2πr। तो 2πr कितना है अपन 9, तो यानी ये कितना हो गया 18π। अब 38π प्लस 18π को हम ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों के सम का निकालना है। तो 38 प्लस 18 कितना होता है, 48 प्लस 8 होता है 56। तो हमें ऐसा 56π हमारा सरकमफ्रेंस है, तो उसका हमें रेडियस निकालना है 56π का। चलो निकालते हैं, ठीक है। तो 56π आ गया इन दोनों का सम। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या है, 56π। तो यहाँ हम डालेंगे 56π और फॉर्मूला की जगह डालेंगे 2πr। तो अब देखो पाई से पाई कैंसल, ये 2 जाएगा 28 टाइम्स, तो ये r हो गया 28। तो जिस सर्कल का रेडियस 28 होगा उसका सर्कमफ्रेंस 56π आ जाएगा, यानी कि इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो इसका आंसर होगा रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो ये लिखना मत भूलना, यूनिट 28 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।